नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द्वेदिक आईक्यू में। और आप पढ़ रहे हैं BHI 144 का यूनिट नंबर 15। और लास्ट वीडियो में हमने ग्रीक अकाउंट देखा था, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चाइनीज अकाउंट के बारे में। ठीक है, देखो चाइना और इंडिया के बीच में डायरेक्ट लैंड रूट कोई है नहीं, है ना, क्योंकि बीच में हिमालय है और हिमालय का जो टेरेन है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है। उसको पार करना मतलब इम्पॉसिबल है। कई जगह पे तो इतनी हाइट है कि मतलब पार करना ही नामुमकिन है। अदरवाइज इतने डेंस फॉरेस्ट है या फिर टेरेन इतनी बुरी है कि उसको पार नहीं किया जा सकता। आज की डेट में भी बहुत मुश्किल है, तो आप पुराने ज़माने में तो सोच ही सकते हो कितना मुश्किल था। तो क्या रास्ता था फिर आना इंडिया, या तो जैसे अब आते हैं सी रूट, या फिर दूसरा रास्ता था कि बाय लैंड आए, है ना। बाय लैंड का मतलब किधर से, जो आज का पाकिस्तान है, अफगानिस्तान का एरिया, उधर से ट्रैवल करके आया जाए नॉर्थ वेस्ट से एंट्री करके। ठीक है, तो हुआ भी वही, ज़्यादातर जो उस ज़माने में बुद्धिस्ट मॉन्क्स इंडिया आए, ठीक है, और उनका मेन मकसद था इंडिया में आकर के बुद्धिज़्म की स्टडी करना और जो बुद्धिस्ट बुक्स थी उनकी कॉपी बनाना और लेके जाना उनको, है ना। कोई प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं कि भाई आप फोटोकॉपी करके ले जाओ। तो तरीका क्या था, हाथ से लिखना, है ना, देख करके हाथ से लिखना। तो वो तो संस्कृत वगैरह में थी या पाली लैंग्वेज में थी, तो उनको पहले इंडिया आकर के वो लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती थी, उसके बाद वो फिर उसको हाथों से लिखते भी थे, ठीक, और फिर वापस जा करके अपने देश में ट्रांसलेट वगैरह करते थे। बहुत ही मुश्किल काम था उस ज़माने में भी, ठीक है। तो इंडिया कुछ एक बहुत सारे चाइनीज ट्रैवलर्स आए, लेकिन उनमें से जो फेमस ट्रैवलर्स थे, और देखो वो आए इंडिया क्यों आ रहे थे, सबसे पहले तो ये देखो वो बुद्धिज़्म को स्टडी करने आ रहे थे ना, तो उनका इंडिया में लोगों से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं था, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट को ही डायरेक्टली कॉपी करते हैं। और इंडियन लाइफ के बारे में, सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बहुत कम लिखते हैं वो लोग। लेकिन कुछ एक ऐसे स्कॉलर्स थे जिन्होंने कि रिलीजियस टेक्स्ट को तो कॉपी किया ही किया, साथ में उन्होंने इंडियन सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस को भी थोड़ा बहुत मेंशन किया है अपने नैरेटिव्स में, ठीक है। और इनमें से जिन लोगों ने मेंशन किया उनके नाम है फाहयान, है ना, जो आप पढ़ते हैं, और जिसका चाइनीज में फाशेन नाम है, ऐसे ह्वेनसांग बोलते हो आप, इसका चाइनीज में नाम श्वेनजांग है, फिर इत्सिंग, माहवान, ये तीन चार बड़े फेमस हैं। यहाँ पे हम दो की डिस्कशन करेंगे, आपका फाहयान और ह्वेनसांग के बारे में आप पढ़ोगे यहाँ पे, ठीक। और इनके टाइम पे जो इंडिया में ज़्यादातर था बुद्धिज़्म, वो था महायान बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म दो टाइप के थे, बाद में चल के तीन भी बन जाते हैं, महायान, हीनयान और वज्रयान में चेंज होते हैं, है ना। अब ये लोग बताते हैं कि बहुत सारे अशोकन पिलर्स थे जिन पे एपिग्राफिक मेंशन था, ठीक, ये लोग लिखते हैं, लेकिन हमें उतने ज़्यादा अशोकन पिलर्स मिले नहीं, और हो सकता है कई सारे डैमेज हो गए हों, ख़राब हो गए हों। और पहले के ज़माने में लोग ऐसे भी करते थे कि उठाकर एक घर बनाने ले जाते थे, आप जानते ही हो, तो उस वे में भी काफ़ी सारा डैमेज हो गई चीज़ें। तो लेकिन दोनों के दोनों ने क्या कंफर्म किया कि दो तो थे ही, महायान और नॉन महायान करके सेक्ट था बुद्धिज़्म का, और इनका कहना था कि दोनों के दोनों जो सेक्ट थे वो एक ही मॉनेस्ट्री में रहते थे, ठीक है। और अब ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, उनका कहना है कि दोनों एक ही में रहते थे, और हम जानते हैं कि महायान और हीनयान दोनों अलग अलग सेक्ट थे, ठीक। तो इससे क्या हुआ कि रिसेंट रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि ये जो संघ भेद का आइडिया है, स्प्लिट का आइडिया है ना, ये एक तरीके से नहीं मेल खाता बुद्धिज़्म में, ये क्रिश्चियनिटी जैसा नहीं है, ठीक है। उनका कहना है कि वो लोग एक ही जगह रहते थे, उनके आइडियाज़ अलग अलग थे, लेकिन वो ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं था उनका इनिशियली महायान और हीनयान में, वो लेटर चल करके बहुत टाइम बाद जाकर के इनमें स्प्लिट होता है। चलो फाहयान के बारे में पढ़ते हैं, फाहयान कौन था, कहां से आया था, क्या किया इसने। फाहयान लगभग 399 से 414 कॉमन एरा में इंडिया आता है, वो आता है गुप्त रूलर चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आता है, और किस लिए आया था, बुद्धिस्ट मैनुस्क्रिप्ट्स लेने के लिए आया था, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाकर के पढ़ाई करता है वो, है ना।
ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में ही ट्रैवल किया है वो, उसने साउथ इंडिया नहीं गया, गया लेकिन बहुत कम जगह गया। वो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से एंट्री किया, पूरा गंगा वैली मूव किया है ना, पूरा गंगा वैली घूमता है और फिर ईस्टर्न पोर्ट पहुंचता है ताम्रलिप्ति, जो आज के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक। वहाँ वहाँ से फिर वो सी रूट से श्रीलंका जाता है और श्रीलंका से साउथ ईस्ट एशिया जाते हुए वापस वो चाइना रिटर्न होता है, ठीक। वापस जा करके उसने पूरे ट्रांसलेशन ही करता रहा अपनी, ये जो भी यहाँ पे उसने लिखा था जाकर के चाइनीज में ट्रांसलेट करता रहा पूरी जिंदगी, और उसने इसको टाइटल दिया फूको की, और ये आज भी एज इट इज चाइना में अवेलेबल है, ठीक है, ओरिजिनल कॉपी इसके अवेलेबल है। और लेकिन इसने इस बुक में चंद्रगुप्त, कहीं भी चंद्रगुप्त टू के बारे में कुछ नहीं लिखा है, ठीक। और लेकिन उसने सोशियो इकोनॉमिक और रिलीजियस कंडीशन के बारे में जरूर लिखा है कि गुप्तेरा में किस टाइप की थी। वो ये भी मेंशन करता है कि ताम्रलिप्ति जो पोर्ट था बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट था, और वो ये भी लोगों को बताता है कि इंडिया चाइना का जो सी रूट है बहुत ही डेंजरस है, ठीक। फायन ऑन बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में उसने क्या लिखा है, बुद्धिज्म के बारे में वो लिखता है कि बुद्धिज्म स्प्लिट हो गया दो में, महायान और हीनयान, और इनके फर्दर सब सेक्ट्स हैं। वो मेंशन करता है प्लेसेस की कहाँ कहाँ पे हीनयान और महायान है। हीनयान के लिए वो जगह देता है कौन कौन सी, गंधार, उदयन, बानू, कश्मीर, दारदा, लॉबनौर और कन्नौज, ठीक। ये कुछ एक प्लेसेस थे जहाँ हीनयान था, और महायान के लिए जो जगह वो बताता है वो है आपकी भीड़ा, जो पाकिस्तान में एक जगह थी, मथुरा, पाटलिपुत्र। वो ये भी कहता है कि चाइना में एक जगह थी खोतान, जो कि सिल्क रूट पे जगह थी, सिल्क रूट पे एक क्या कह सकते हो सिटी थी, जो कि शाक रूल करते थे, वहां भी महायान के मॉन्क्स रहते थे। लेकिन हम देखते हैं धीरे धीरे कि महायान के जो लोग थे है ना, मॉन्क्स थे, वो धीरे धीरे तांत्रिक रिलीजन से बहुत इन्फ्लुएंस होने लग गए, और इससे क्या हुआ, वज्रयान का, वज्रयान बुद्धिज्म का जेनेसिस होता है ना। फिर धीरे धीरे हम देखते हैं गुप्त पीरियड के बाद, गुप्त पीरियड के लास्ट में ट्रेड डिक्लाइन होने लग जाता है, तो इनको पैट्रोनेज देने वाले लोग कम हो जाते हैं, जो पहले मर्केंटाइल क्लास बहुत डोनेशन देता था वो कम हो जाता है। तो बुद्धिस्ट मत संघ जो है अब रिलाई करते थे सिर्फ और सिर्फ जो एम्पायरर्स उनको ग्रांट्स दे देते थे लैंड और विलेजेस का उसी पे, ठीक है ना। एग्जांपल के लिए नालंदा को ग्रांट मिला हुआ था 200 विलेज का रेवेन्यू का। फायान और अशोक, अशोक के बारे में क्या लिखता है फायान, फायान अशोक के बारे में लिखता है कि देखो अशोक जो था वो क्योंकि अशोक के टाइम पे तो वो था नहीं, तो उसने कहीं ना कहीं अशोक के बारे में पढ़ा होगा, रिसर्च की होगी है ना, तब जाके उसने अशोक के बारे में लिखा। तो एक तरीके से उसने हिस्ट्री राइटिंग की। वो अशोक के कितने साल बाद गया था, लगभग लगभग अशोक के 600 साल बाद गया था, वो इंडिया आया था, तो ऑब्वियसली बात है उसने लिखा, पढ़ा होगा, सुना होगा, उसके बेस पे उसने उसको लिखा है पूरा। उसने लिखा है कि देखो अशोक जो है कलिंग युद्ध के बाद कहीं ना कहीं नो वार पॉलिसी में, नॉन वायलेंस नॉन कॉन्क्वेस्ट पॉलिसी पे बिलीव करने लग गया है ना, और यही कारण बना कहीं ना कहीं स्लो एंड स्टेडी डिसइंटीग्रेशन का, मॉडर्न एम्पायर का, ठीक। और वो बहुत ही दानवीर था, बहुत दान देता था, क्योंकि वो ऐसी प्रथा मानता था अपने बुजुर्गों की बातों को बहुत मानता था कि हाँ भाई हमें दान दक्षिणा बहुत ज़्यादा देनी चाहिए, तो बहुत दान दक्षिणा करता था। और इतनी वास्ट अम्पायर था कि उनकी आर्मी भी बहुत बड़ी थी, और आर्मी क्योंकि फाइट नहीं करती थी, नया एरिया नहीं कब्जा करती थी, तो रेवेन्यू उतना ज़्यादा आता नहीं था, तो इस चलते रेवेन्यू दिन पे दिन घटता चला गया है ना, और यही कारण बनता है कहीं ना कहीं मौर्यंस का पतन का। और जहाँ तक ये तक लिख दिया गया कि अपने आखिरी दिनों में उसके पास खाली एक आधा मैंगो रह गया था, तो ये तो बड़ा चढ़ा के लिख दिया, ऐसा भी नहीं हुआ होगा। फायान ऑन फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म की कहानी बड़ी वो है फायान जो लिखता है। अब गुप्त पीरियड में एक चीज़ देखे जाने लग गई कि बहुत ज़्यादा लैंड रेवेन्यूज, लैंड को
ग्रांट्स के फॉर्म में दिया जाने लग गया प्रिंस को, टेम्पल्स को, रॉयल ऑफिसर्स को। अब ये इसलिए जाने लग गया क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ट्रेड डिक्लाइन हो गया था इस जमाने में, ठीक है। ट्रेड डिक्लाइन हो गया तो न्यूमेस कॉइन्स का चलन उतना नहीं रह गया है ना, तो उसके बदले में क्या देने लग गई है, लैंड्स को प्रेफर करने लग गए, ग्रांट्स देने लग गए। अब जब लैंड्स मिलने लग गई तो एक तरफ तो जिनको लैंड्स मिल रही थी वो बहुत ज़्यादा ग्रांट्स मिल गया उनको, है ना, वो उसका यूज़ भी नहीं कर पाते थे, तो उन्होंने क्या किया, वर्कर्स रखने लगे, कल्टीवेटर्स रखने लगे, खुद काम करते नहीं थे, उनसे काम करवाते थे, है ना, फील्ड में। और ये तक प्रथा चलने लगी कि अगर लैंड बेचता था एक दूसरे को तो साथ में वो कल्टीवेटर भी साथ में ट्रांसफ़र हो जाता था जो उस पर काम कर रहा था। तो हम देखते हैं कि जो कल्टीवेटर इस तरीके से उसका पतन होने लग जाता है ना, वो कहीं मूव नहीं कर सकता था फ्रीली, वो बंद के रह गया था, है ना, और उसकी पोजीशन रिड्यूस होकर एक सर्फ की तरह हो गई थी। ठीक, यहाँ तक कि गुप्त किंग जैसे समुद्रगुप्त के बारे में प्रयाग प्रशस्ति में बहुत कुछ लिखा हुआ है कि उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स किए, बहुत कुछ जीता, लेकिन आर्मी के बारे में कुछ नहीं लिखा गया वहाँ पे, है ना, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ नहीं दी गई है, फयान भी नहीं बताता है कि कितनी आर्मी थी। और ऐसा माना जाता है कि ये लोग सामंतों पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे, फ्यूडेटरीज पे, कि वो लोग इनको आर्मी प्रोवाइड करते थे जब जरूरत पड़ती थी, फ्यूडल लॉर्ड्स, है ना। फ्यूडल लॉर्ड्स कौन होते थे, अपने अपने एरिया में एक छोटे राजा की तरह होते थे, और जब बड़ा राजा जब चाहता था कि हाँ भाई मेरे को चाहिए आर्मी अभी, तो वो अपने भेज देते थे। फायान ऑन आउटकास्ट, आउटकास्ट के बारे में लिखता है। अब नॉर्मली वो लिखता है कि लोग बड़े हैप्पी थे, इंजॉय करते थे अपनी लाइफ को, पीसफुली प्रॉस्पेरिटी से रह रहे थे, है ना, यहाँ तक कि उनको अपनी ज़मीन को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ना वो कभी किसी क्राइम के लिए मैजिस्ट्रेट के सामने जाते थे। बट ये सब एक यूटोपिया टाइप का साउंड करता है ना, और लगता है कि बहुत ही ज़्यादा आइडियल कंडीशन थी। बट वो एट द सेम टाइम और चीज़ें भी डिस्क्राइब करता है, जिससे लगता है कि सोशल टेंशन भी थी थोड़ी बहुत। वो अनटचेबल्स की कंडीशन के बारे में लिखता है, खास करके चंडालों के बारे में। वो लिखता है कि अनटचेबल्स जो थे उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, जब वो सिटी के अंदर आते थे तो वो लोग आवाज़ करते हुए आते थे किसी चीज़ से, है ना, कि वो आ रहे हैं, और लोग हट जाते थे, रास्ते देते थे। अगर वो किसी अपर कास्ट के बंदे को टच भी कर जाए गलती से, तो फिर उस अपर कास्ट के बंदे को पूरा प्यूरिफिकेशन रिचुअल करना पड़ता था। ठीक, और दूसरे टेक्स्ट से भी हमें पता चलता है कि हाँ, अनटचेबल्स की कंडीशन बहुत सही नहीं थी। तो ये था फाहयान के बारे में, फाहयान ने जो चीजें लिखी, है ना। और अब हम पढ़ते हैं श्वेनजांग ने क्या किया था, श्वेनजांग क्या क्या लिखता है इंडिया के बारे में, और क्या क्या चीजें वो बताता है। श्वेनजांग आया था, श्वेनजांग अपना देश जो था 629 कॉमन एरा में चाइना छोड़ता है, ठीक है। फिर वो इंडिया आता है, इंडिया में घूमता है, हर जगह इंडिया में घूमता है, और लगभग 645 कॉमन एरा में वापस चाइना पहुंचता है। वो नालंदा यूनिवर्सिटी में रह करके बुद्धिज्म की स्टडी करता है, कई सालों तक हर्षवर्धन के कोर्ट में भी रहता है, और खूब डिटेल में इसने डिस्क्राइब किया सोशो इकोनॉमिक कंडीशन हर्षवर्धन के टाइम में। वो बताता है कि हर्षवर्धन जो था वो बुद्धिज्म का सपोर्टर था, और उसने संघ को बहुत सारा जनरस डोनेशन दे रखा था, और एंशिएंट इंडियन लिटरेचर से ना हमें बहुत सारे सिटीज के बारे में पता चलता है, और उनको ढूंढने में भी हमें बड़ी मदद मिली एंशिएंट इंडियन लिटरेचर से। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर कनिंघम जो ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट थे और डायरेक्टर जनरल बनते हैं वो ASI के 1871 में, तो उन्होंने कहा कि देखो मैंने जो तक्षशिला वगैरह ढूंढा वो कहीं ना कहीं जो चाइनीज क्रॉनिकलर्स थे आपके फाहयान श्वेनजांग इनकी हेल्प से ढूंढा, जबकि ग्रेको रोमन जो लोग थे उनकी डिस्क्रिप्शन सही नहीं थी, थोड़ी बहुत सही थी बट नहीं उतनी नहीं थी। इसके बारे में पूरा लिखते हैं कि हाँ भाई फाहयान वगैरह ने
लिखा था कि वो हाथी से चलते हुए 2-3 दिन के रास्ते पे तक्षशिला थी, तो एग्जैक्टली उसी जगह पे लगभग लगभग मिल जाती है तक्षशिला। उन्होंने ये चीज़ मेंशन भी की है यहाँ पे, जबकि वो बोलते हैं कि जो प्लिनी वगैरह थे उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग रूइंस के बारे में। इसी तरीके से जो कुशान किंग कनिष्क था वो भी बहुत बुद्धिज्म को प्रेफर करता था, और उसने तो एक इतना बड़ा मल्टी स्टोरी टावर बनाया था पेशावर में, जो कि बुद्धा का रेलिक को जिसमें रखे गए थे। और शेनजांग ने भी इसके बारे में, टावर के बारे में, स्तूपा के बारे में बहुत डिटेल में लिखा था, और अलबरूनी ने भी लिखा था, लेकिन आगे चल करके ये डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फेनसांग ऑन बुद्धिज्म के बारे में क्या लिखता है, जब फेनसांग आता है इंडिया है ना, तो उस समय वो बताता है कि इंडिया में बुद्धिज्म के 18 सेक्ट थे, लेकिन फिर भी नालंदा में ओल्डेस्ट सेक्ट की पढ़ाई कराई जाती थी। वो वहाँ जाता है और वो देखता है वहाँ पे लगभग लगभग 10,000 पीपल्स रहने की जगह थी, और वहाँ पे बुद्धिस्ट फिलोसफी का महायान स्कूल की पढ़ाई होती थी। ये थोड़ा बढ़ा चढ़ा के शायद लिखा गया कि 10,000 लोग वहाँ रह सकते थे, और खैर फिर भी इस बात से अंदाजा लगाया सकता है कि वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में भी, और उसके बराबर कोई भी नहीं थी उस जमाने में। और ये भी बताता है कि उसको लगभग लगभग 100 villages का फाइनेंशियल ग्रांट दिया गया हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी को। हर्षवर्धन पेट्रोनियस ऑन बुद्धिज्म, ये बड़ी जबरदस्त कहानियां यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन अपनी शुरुआती जिंदगी में शैविज्म को फॉलो करता था, लेकिन बाद में वो टर्न करता बुद्धिज्म की तरफ, ठीक, और वो महायान को बहुत मानता है, प्रमोट भी करता है काफी ज्यादा, है ना। तो श्वेनजांग लिखता है कि इसी चक्कर में प्रमोट और प्रोपगेट करने के लिए महायान को उसने एक असेंबली बुलवाई, कॉन्फ्रेंस बुलवाई कन्नौज में, ठीक है, जिसमें कौन कौन आए थे, श्वेनजांग खुद था, भास्कर वर्मन कामरूप का किंग था, 21 रूलर्स और आए थे, रूलर्स आए थे 21 किंगडम से, कई हजार प्रिस्ट आए थे और डिफरेंट डिफरेंट बुद्धिस्ट सेक्ट्स के, ठीक। अब श्वेनजांग इस असेंबली के डिटेल के बारे में बताता है कि बहुत सारी कंस्ट्रक्शंस हुई वहाँ पे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो था एक सेंटर में मासिव टावर बनाया गया, और उसके ऊपर भी भगवान बुद्ध का स्टैचू लगाया गया जिसकी हाइट हर्षवर्धन की हाइट के बराबर थी, ठीक है। और हर्षवर्धन ने इसका स्टैचू का इनॉग्रेशन कराया, फिर उसने पब्लिक डिनर रखा। फिर श्वेनजांग जब डिस्कशन चालू करता है तो श्वेनजांग महायान फिलॉसफी के बारे में अपने डॉक्ट्रिन्स को सामने रखता है और चैलेंज करता है ऑडियंस को कि कोई क्रिटिक करे या कोई क्वेश्चन करे उस बारे में, ठीक है। लेकिन 5 दिनों तक कोई भी उसको जवाब नहीं मिलता है, और ऐसा कहा जाता है कि जो थियोलॉजिकल राइवल्स थे, जो उसके वहाँ पे जो लोग आए हुए थे, है ना, और जो राइवल्स थे, उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की कि श्वेनजांग को मार दिया जाए। अब हर्षवर्धन को इस बारे में पता चल जाता है और उसने ऑर्डर दिया कि जो भी ऐसा करेगा तो उसको सजा दी जाएगी, बहुत बहुत भयानक सजा दी जाएगी। अगर किसी ने भी श्वेनजांग पे आँच भी आने दी, उंगली भी उठाई, उंगली भी लगाई, तो ऐसे ही कहते हैं हम, है ना। तो लेकिन बाद में होता क्या है कि जो ग्रेट टावर था ना जिसपे कि भगवान बुद्ध की इमेज थी, उसमें आग लग जाती है और हर्षवर्धन को भी मारने का एक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट होता है। फिर जब हर्षवर्धन बच जाता है तो उसको पता चलता है कि लगभग लगभग वो 500 ब्राह्मण को कैप्चर करता है जो इस पूरे साजिश में थे, ठीक। उनमें से कईयों को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और बहुत सारों को बैनिश कर दिया जाता है, देश निकाल दे दिया जाता है। तो इस स्टोरी से हमें पता चलता है कि श्वेनजांग के बारे में जो लिखा गया कि हाँ वो बहुत टॉलरेंट था, वो इतना था भी नहीं, ठीक। दूसरी कहानी जो आती है कि श्वेनजांग दूसरा क्रॉनिकल
भी लिखता है कि कन्नौज के बाद दोबारा गैदरिंग होती है प्रयाग में, ठीक, और वहाँ पे हर्षवर्धन ने सारे सबॉर्डिनेट किंग नोबल मिनिस्टर्स को बुलाया और सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। बुद्धा की आइकन की वर्शिपिंग की जाती है, शेनजांग लेक्चर देता है, ठीक, और हर्षवर्धन जो है खूब डोनेशंस देता है, और यहाँ तक कहा जाता है कि तो उसने सब कुछ अपना डोनेट कर दिया सिवाय अपने पर्सनल क्लॉथ के अलावा, बाकी सब कुछ उसने डोनेट कर दिया, ठीक है। तो श्वेनजांग हर्षवर्धन के बारे में बहुत कुछ लिखता है, ठीक, हर्षवर्धन ऑन फेडरलिज्म उसी चीज मेंशन करता है जैसे वायान ने मेंशन की थी, है ना। वो ये तक कहता है कि जो देखो एक जमाने में पाटलिपुत्र इतना फ्लरिशिंग सिटी था, लेकिन मगध काल खत्म होने के कुछ सालों के अंदर ही अंदर, 2 सेंचुरी में, 200 साल के अंदर अंदर में ये गांव में बदल गया था। कहाँ एकदम सेंटर हुआ करता था हमेशा से इतना लैविशिंग लाइफ का, और कहाँ वो गांव तक में बदल गया था, ठीक। और सेम हाल वैशाली का भी हो गया था। अब इम्पोर्टेंट सेंटर कौन बन चुका था? कन्नौज और प्रयाग। हर्षवर्धन की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो थी फ्यूडल और डिसेंट्रलाइज थी, और उसका रेवेन्यू 4 पार्ट में आता था। हर्षवर्धन का रेवेन्यू 4 पार्ट में डिवाइडेड था। पहला पार्ट किंग के खुद के एक्सपेंडिचर के लिए, दूसरा स्कॉलर्स के लिए, तीसरा ऑफिसर्स को और पब्लिक सर्वेंट्स को सैलरी देने के लिए, और चौथा जो था रिलीजियस पर्पसेस के लिए था, ठीक है। लैंड ग्रांट्स इतनी ज्यादा दी जाती थी अभी भी, और मिनिस्टर्स को, हाई ऑफिशियल्स को, और कहीं पे ये नहीं बोला गया कि सिक्के दिए जाते थे, पैसा दिया जाता था, कहीं पे मेंशन नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं साफ साफ दिखा रहा है कि हाँ उस जमाने में जो हमें हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि पोस्ट गुप्त पीरियड में इकोनॉमिक डिक्लाइन हुआ था, वो यहाँ से भी हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं। श्वेतांग ऑन कास्ट सिस्टम, श्वेतांग लिखता है कि देखो ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है नॉर्मली सिंपल लाइफ जी रहे थे, लेकिन जो नॉबल्स और ब्राह्मण किंग के पास थे वो बहुत लेवशिंग लाइफ जीते थे, ठीक है। उसमें ये तक लिखा हुआ है कि कुछ एक ब्राह्मण और तो एग्रीकल्चर का काम भी करने लग गए थे। अब ये बिल्कुल ही अगेंस्ट है धर्मशास्त्र के, जो धर्मशास्त्र में लिखा गया ब्राह्मण और क्षत्रियो की ड्यूटी उसके अगेंस्ट। फिर वो शूद्र फार्मर्स के बारे में भी लिखता है। अब ये वो थे जो एक तरीके से फ्यूडल लॉर्ड्स के जमीनों पे काम करते थे, है ना। फिर वो अनटचेबल्स की कंडीशंस के भी बारे में लिखता है कि वो बाहर रहते थे, सेटलमेंट से बाहर रहते थे, ओनियन और गार्लिक खाते थे, है ना, और आने से पहले खूब आवाज करके आते थे ताकि लोग अपनी जगह से हट जाएं, कोई उन्हें छुए ना। तो ये था पूरा आपका चाइनीज अकाउंट, हालांकि उतना ज़्यादा डिटेल में दे नहीं रखा है, बट आप भी ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल पे इतना ही काफ़ी है। बाकी जब आप एम ए हिस्ट्री करोगे तो बहुत डिटेल में वहाँ पे दिया हुआ है इन चीज़ों को, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।